ओके गुड। हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म एज वेल। ठीक है, सो उस पर मैंने कैलेंडर का कोर्स एक रीजनिंग का निकाला है। अभी रिसेंटली मैंने उसकी भी स्पेशल क्लास ली थी और उसका एक फ्री कोर्स निकाला है कैलेंडर रीजनिंग का, सो यू कैन वॉच दैट। अभी आज हम ब्लड रिलेशन करेंगे और इसको यहीं पर करेंगे पक्का। इसका फ्री कोर्स अभी मैं नहीं निकाल रही हूँ, तो आप यहाँ पे सही ढंग से कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन में सो मेरा रेफरल कोड है नव क्लासेस, इससे आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन, बिकॉज मैं हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल वाले क्वेश्चंस एमसीक्यूज भी लेकर आ रही हूँ। ठीक है, और कंटेंट मेरा बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अप टू डेट और प्रॉपर डेप्थ में है। सो आइए समझते हैं अब हम ब्लड रिलेशन, जिसका आज क्लास है ब्लड रिलेशन। अच्छा हेलो, सो ब्लड रिलेशन का मतलब खून के रिश्ते। ठीक है, रिलेटिव्स के साथ हम किसको क्या बोलते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है। तो ये क्या है, पर्टिकुलर मेंबर ऑफ फैमिली का बाकियों के साथ कैसा रिश्ता है, हम ये देख रहे हैं यहाँ पे। और आपके जो MCQs आते हैं पेपर में, अच्छा हेलो, सो वो कैसे आते हैं, पॉइंटिंग आउट वाले आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ये इंडिकेटिव होते हैं, इंडक्टिव होते हैं, किसी की तरफ इशारा करते हुए क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ये पॉइंट आउट कर रहा है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कॉमर्स में टफ लग रही है UGC, कॉमर्स में कोई बात नहीं, टफ नहीं है, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर ज्वाइन किया हुआ है तो उसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, कॉमर्स का कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। सो काफ़ी सारे मेथड है ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे फैमिली ट्री चार्ट के थ्रू स्टूडेंट्स बनाते हैं, जैसे कि हाँ गुड इवनिंग टू एवरीवन। अच्छा, सो जैसे कि हम लोग प्रॉपर चार्ट बना लेते हैं, ये आई है, आई के ऊपर उसके पेरेंट्स हैं, इस तरीके से इसके साथ कौन आएगा, तो ये सारा चार्ट बना लेते हैं। इससे हमें इजी हो जाता है, हम भी इसी से करेंगे। कुछ स्टूडेंट वर्बली करते हैं, कुछ प्लस माइनस करते हैं। मैम नेट के पेपर में आता है भाई, आता है तभी तो करवा रही हूँ। ब्लड रिलेशन तो हर साल आता है, हर एक पेपर में आता है। अच्छा, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली कि यहाँ पे जो भी मेल होगा उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है, और फीमेल को सर्कल में डिनोट करेंगे। समझ लो, बिकॉज अभी जो हम क्लास ले रहे हैं ब्लड रिलेशन की, इसके ऊपर कंसंट्रेट करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी ना पूछें। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे क्या है, बॉक्स बनाते हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए सर्कल बनाते हैं। और अगर कोई सिस्टर या ब्रदर है तो उसके लिए इस तरीके से हम, ये क्या है, ये गर्ल है तो गर्ल के साथ सिस्टर, सिस्टर है तो ऐसे बना देंगे, सिस्टर के साथ ब्रदर है तो इस तरीके से बना देंगे। मीन्स हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं ब्रदर सिस्टर का रिलेशन बताने के लिए। अगर हमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बताना है तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हम प्लस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। और अगर सिस्टर सिस्टर का रिलेशन है तो ऐसे हो जाएगा, ब्रदर ब्रदर का रिलेशन है तो ऐसे। कुछ समझ आ रहा है कि अगर हस्बैंड वाइफ है तो उसके बीच में प्लस आएगा, और बाकी अगर बहन भाई हैं तो वो सब हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी। ओके, अब क्या हुआ, ये ए है, ए के पेरेंट्स या उसके बच्चे, मतलब हायरार्की कैसे दिखाते हैं, ऐसे वर्टिकली, वर्टिकली क्या दिखाते हैं, ये ए है, ए के फादर है तो उनके भी फादर है, या ए का चाइल्ड है, इस टाइप से हम वर्टिकल में दिखाते हैं। ठीक है, सो गैप हम दिखाते हैं वर्टिकल में, जनरेशन गैप। हेलो एवरीवन, अच्छा सो अब हम समझते हैं इस पूरे को, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर ये आई है, आई का मतलब हम लोग, ठीक है, तो पूरा फैमिली ट्री चार्ट बनाना समझते हैं और उसके बाद देखेंगे। सो आई है हम, और हम के साथ कौन आएंगे, ब्रदर एंड सिस्टर। मैंने डिस्टेंस वाला फ्री वाले कोर्स में भी निकाला हुआ है हल्का, उसको भी आप देख चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे पहले। ठीक है, हमारे साथ हमारे ब्रदर एंड सिस्टर आ जाते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर आ जाते हैं। अब इसकी अगर मैरिज हो चुकी है तो इसका हस्बैंड या वाइफ, यानी कि स्पाउस आएगा इसके साथ, हस्बैंड या वाइफ स्पाउस इसके साथ आ जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब इसके बाद अगर इस आई की फादर या मदर है तो वो कहाँ आएंगे, फादर या मदर उसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो फादर
या मदर उसके ऊपर आएंगे क्योंकि जनरेशन है। अब फादर और मदर के साथ फादर मदर के भी ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, वो हमारे क्या लगेंगे? चाचा मामा, इनमें से कोई एक लगेगा ना। नहीं, खत्म होने के बाद आप रिकॉर्डेड वीडियो नहीं भी देख पाओगे, जब तक सब्सक्रिप्शन है तब तक आप रिकॉर्डेड वीडियो देख पाते हैं। और अगर आपने कुछ गैप के बाद दोबारा सब्सक्रिप्शन ज्वाइन किया तो जितने भी एनरोल कोर्सेज होंगे आपके वो सब देख पाएंगे। अच्छा, तो अभी ये लगे आपके आंट, अंकल या आंट लगे। अच्छा, सो ये जो अंकल या आंट है इनके भी बच्चे होंगे, वो आपके कौन लगेंगे? इस अंकल आंट के जो बच्चे हैं वो आपके कौन लगेंगे? वो आपके कजन लगेंगे ना, वो कजन लगे। अब ये जो आपके साथ ये स्पाउस था, हस्बैंड या वाइफ था इस आई के साथ, इसके भी तो भाई बहन होंगे, तो वो कहाँ आएंगे? वो ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ में आएंगे। यहाँ तक समझ आ गया? इसके जो भाई बहन आएंगे वो इन लॉ बन जाएंगे। अब ये जो आई है, आई के फादर मदर मैंने यहाँ बताया है ना, सो आई के फादर मदर के साथ इसके ऊपर जो पापा के साइड का होते हैं यानी कि दादा, दादाजी, दादी जी, यानी कि फादर के पापा, फादर की मम्मी, वो क्या होती है? वो होते हैं हाँ पैटर्नल, यानी कि ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर होते हैं। वो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर होते हैं। अब ये जो मदर है वहाँ से कौन आएंगे? नाना नानी, मैटर्नल ग्रैंड फादर, मैटर्नल ग्रैंड मदर, ठीक है, मैटर्नल ग्रैंड फादर, मैटर्नल ग्रैंड मदर यहाँ पे आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, सो अब नीचे आते हैं। ये जो आई है, आई के बच्चे, चिल्ड्रन, बॉय या गर्ल जो भी होगा उसके नीचे आएंगे। अब ये जो आप आई के ब्रदर एंड सिस्टर थे या कजन थे या ब्रदर इन लो या सिस्टर इन लो थे, इनके भी तो बच्चे हो सकते हैं। इनके बच्चे क्या बनेंगे? इनके बच्चे या तो नेफ्यू होंगे या फिर नीज होगी। नेफ्यू का मतलब भतीजा, नीज का मतलब भतीजी, ठीक है। अब ये जो आई है, आई के बच्चों के बच्चे, इसके क्या बन जाएंगे? इसके ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर बन जाएंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया कि किधर से क्या क्या बना दिया? गुड, तो इसको एक बार खुद बना के देखना। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, वैसे इतना ज्यादातर आगे एंटीनेट नहीं जाता, बट स्टिल हम देख लेते हैं। वो क्या है? ये आई है, आई के ऊपर फादर आते हैं, फादर के ऊपर ग्रैंड फादर आते हैं, ग्रैंड फादर के बाद ग्रेट ग्रैंड फादर आते हैं, ग्रेट ग्रैंड फादर वो जो पर दादा जी, और ये ग्रेट ग्रैंड फादर जो है उस उनके नीचे ये उनका बेटा होगा, ये उनके बच्चों का बच्चे, और उसके नीचे कौन आएगा? अच्छा कोई बात नहीं, सो ग्रैंड सन आ जाएंगे उसके नीचे, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड सन आ जाएंगे। ये ग्रेट सन होता है ना, ये ग्रैंड सन होता है, ग्रैंड सन के बाद कौन आता है? ग्रेट ग्रैंड सन आता है। अब आप कह रहे हो भतीजा, दोबारा बताओ। तो भाई अगर हम एक पर्सन है तो हमारा जो ब्रदर और सिस्टर होंगे तो उनके भी जो बच्चे होंगे तो हमारे नेफ्यू होंगे ना या नीज होंगे, वो आपके भतीजे या भतीजी तो लगेंगे, तो वो भतीजे या भतीजी होंगे। अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो यहाँ पर वो आपका सन लगेगा या डॉटर लगेगी। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें स्टेप, अगर एक पर्सन है उसकी दो शादियां हुई है तो उसके इसमें क्या बन जाएगा? उसका स्टेप मदर बन जाएगी या स्टेप फादर बन जाएगा, और उसके साथ स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर भी आ सकती है, सौतेले भाई बहन। अच्छा, सो अभी हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन कहता है इंट्रोड्यूसिंग राकेश। सो सबसे पहले समझो, रिफ्रेश करो, अगर वाइट वाइट दिखाई दे रहा तो, बाकी सबको दिख रहा है ना? अच्छा, सो प्लीज जिसको देखना है तो स्टार्टिंग से देखो। हमेशा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे करते हैं? बिल्कुल सीरियल वाइज एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते हैं पूरे को, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड, हिंदी में लिखा तो हुआ, और कैसे लिखूं? उर्दू लिख के बताऊं? हिंदी हो जाएगी, वो हिंदी दिख रही है कि नहीं मेरे को, ये बताओ। इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड, वुमेन सेड, बोलती कौन है? जो भी पढ़ रहे हैं ना उसको साथ साथ ही वैसे वैसे ही लिखते रहेंगे, ठीक है। तो वुमेन, वुमेन है ये, वुमेन बोलती है कि
किसको इंट्रोड्यूस करी है? राकेश को? राकेश कौन है? राकेश मेल है, ठीक है. सो यहाँ पे हम क्या बना देंगे? राकेश. हिज ब्रदर्स फादर, उसके ब्रदर के फादर, ओनली सन है मेरे ग्रैंडफादर के. तो यहाँ पे आंसर आप सब बताओ. ये कैसे पता चलेगा राकेश है? राकेश मेल ही होता है और कौन होता है? यहाँ पे नाम से पता लगा सकते हैं, ठीक है. एंटीनेट का जो ब्लड रिलेशन है, इसके अंदर नाम से पता लगा सकते हैं. सिस्टर आंसर सही है सबका, ठीक है. अब मैं करके दिखाऊं. ही इज ब्रदर्स फादर. हाँ, ये 2018 का है क्वेश्चन. इसके राकेश गर्ल क्यों हो सकती है भाई? राकेश अगर नाम जेंट्स का तो जेंट्स ही होगा ना. और कैसे पता चला? ये देखो, लिखा तो हुआ है हिज लिखा तो हर बनेगा उसका. लिखा भी हुआ उसने हिज ब्रदर, तो मतलब अब देखो यहाँ पे हिज ब्रदर, हिज का मतलब हर कैसे बनेगा? हिज का ब्रदर के फादर, ठीक है. जैसे ऐसे बोला वैसे वैसे लिखते रहेंगे. हिज के ब्रदर के फादर इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर. इसके फादर कौन है? वुमेन. वुमेन कौन है? वुमेन बोल रही है ना, माई माई. ये वुमेन के ग्रैंड फादर के ओनली सन है, समझे. तो अब वुमेन के ग्रैंड फादर के ओनली सन है, तो अब ग्रैंड फादर के बीच में कोई एक होगा तभी तो वो ग्रैंड फादर आएंगे ना. उसके ओनली सन के सन है, तो फिर यहाँ पे इन सब में कैसा रिलेशन हुआ? ये इन इसकी कौन लगी? सिस्टर लगी ना, एक ही जगह पे आ रही है, सिस्टर लगी. समझ आ गया? अब कैसे पता चलता है भाई आपको? हिज हर का मतलब नहीं समझ में आता? हिज लिखा है तो फिर जेंट्स ही है ना वो. अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें. ही इज सन ऑफ, ओनली सन ऑफ माई मदर. तो अब लिखा हुआ है ही का मतलब क्या होता है? फीमेल होती है. अच्छा, गुड. जे मेल होता है ना ही का मतलब. तो अब ये बार बार मत पूछना ही शी. सो ये ही है. आगे बोलो. ही इज सन. अब इसको पूरे को सॉल्व करो, टाइम लो, मैं आपको पोल स्टार्ट करके दे रही हूँ. अच्छा चलो करें. अब ही इज, यानी कि एक जो पर्सन है ना, ही इज सन. अगर उसने बोला सन, जो न्यू स्टूडेंट है वो भी समझ जाए. अगर सन बोला तो सन के ऊपर कोई आएगा, ठीक है. सन ऑफ, ओनली सन, किसी इकलौते सन का. अब इस, ये भी सन बोला तो सन किसी का बेटा होगा ना, तो उसको भी ऊपर कर देते हैं. ऑफ माई, अब ये माई बोलने वाला कौन है? जो बोल रहा है कौन बोल रहा है? सुरेश. सो सुरेश का माई, माई मदर, ओनली सन है माई मदर का. तो इस मदर का ओनली सन सुरेश ही है और ये सुरेश का बेटा है. तो अल्टीमेटली इन दोनों में कैसा रिलेशन हुआ? ये क्या, कौन हुआ इस बॉय का? इस बॉय का ये फादर ही तो हुआ ना. सो आंसर यहाँ पे फादर आ जाएगा. समझ आ गया जो गलत आंसर दे रहे थे कि गलती से लग जाते हैं आंसर गलत. सो यहाँ पे आंसर फादर आएगा. अच्छा, सो नेक्स्ट देखते हैं. अनिल इंट्रोड्यूस आकाश. अनिल आकाश को इंट्रोड्यूस करता है एज सन ऑफ ओनली ब्रदर. हमेशा कभी भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूरा मत पढ़ा करो. जितना जितना बोला है ना, बस उतना उतना बनाया करो. और कई बार होता है कि स्टार्टिंग से जाकर फिर वहां पे कहीं ब्लॉक लग जाता है, रुक जाते हैं, तो फिर पीछे से हम स्टार्ट कर देते हैं. ऐसे करते हैं क्वेश्चन को.
तो अभी इस क्वेश्चन को बनाओ, फिर मैं बाद में दिखाती हूँ आपको कैसे करना था। मैंने बोला जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने हैं ना, पहले जैसे स्टार्टिंग से रीड कर रहे हो पूरा क्वेश्चन एक बार में रीड मत करो, धीरे धीरे बस उतना उतना बनाते जाओ। अब उतना उतना बनाने के बाद आपको लगे कि वहाँ पे स्टॉप लग गया, कि हो सकता है पीछे से आसानी से बनेगा, तो फिर बैक साइड से स्टार्ट करो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा सिर्फ स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, आप बैक साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं ये बता रही हूँ। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को ले लीजिए। यहाँ पर वो क्या कहता है, आकाश, आकाश को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं बनाऊंगी क्या, आकाश को बनाऊंगी ना जिसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो आकाश बनाया मैंने, नेटवर्क खराब होगा फिर दिया दिव्या, बाकी सबको दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, सो यहाँ पे आकाश एज सन, सन का मतलब उसके ऊपर कोई होगा, हमेशा ये चीज समझा करो। सन ऑफ ओनली ब्रदर, किसी एक बेटे, ब्रदर का मतलब कौन होगा, पता चल रहा है ना, मेल है ब्रदर, ब्रदर मेल होता है, तो यहाँ पर ओनली ब्रदर है, ब्रदर है तो इसका मतलब इसके साथ वाली लाइन में कोई आएगा। ऑफ हिज फादर्स वाइफ, अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई, इसने हिज बोल दी, तो अब क्या करूं, अब हिज कौन है, यहाँ पर अनिल है ना, कौन है, अनिल है जो बोल रहा है, वही है ना। सो अनिल ने इंट्रोड्यूस किया, तो अनिल हिज है, अनिल के फादर, ये अनिल मैंने बनाया, अनिल के फादर की वाइफ, ये रहे अनिल के फादर की वाइफ। यहां तक अब कहानी समझ में आई, ये कौन है, अनिल के फादर के वाइफ का भाई है, सो यहाँ पे भाई है। तो अब ये दोनों आपस में कौन हो गए, ये दोनों भाई 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 तो नहीं हुए ना, ये दोनों कजन हुए यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, कजन है ये, मामा का बेटा है ये, वेरी गुड, मामा का बेटा है ये इसके। अभी यहाँ पे बात समझ आ गई ना, सो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इसका मामा का बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले आप ट्राई करोगे फिर मैं बताऊंगी। अच्छा चलो बोल दो, अब सो क्या हुआ, पॉइंटिंग टू मैन ऑन स्टेज, नताशा सेट, इसने पॉइंट किसको किया, मैन को, नताशा बोलती है ही का मतलब ऑफ कोर्स वो मैन वाली बोली उसने, इज ब्रदर, ब्रदर का मतलब इसके साथ कोई आएगा, ब्रदर ऑफ डॉटर, किसी बेटी का, तो यानी कि ब्रदर है किसी की बेटी का, तो बेटी का आएगा ना, तो बेटी जो है उसके ऊपर जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा जब ये सेशन खत्म होगा, उसके बाद मिलता है रिकॉर्डेड वीडियो सेम लिंक से। अच्छा चलो, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इस ये ब्रदर है किसी की डॉटर का, और डॉटर के ऊपर कोई आएगा, ऑफ वाइफ, अब ये डॉटर किसकी है, ये किसी की वाइफ की, अब ये इसके ऊपर मतलब लेडी है, समझ में आना, अगर ये किसी की वाइफ की है तो इसके ऊपर कोई लेडी है, अब इसके आगे वाइफ है तो इसके आगे इसका मतलब प्लस लगाना पड़ेगा, वाइफ किसकी है भाई बताओ, माई, माई की, ये माई कौन है यहाँ पर, ये यहाँ पे ये जो माई है ये माई कौन है, माई हस्बैंड है, नहीं बाबा ये वाइफ है नताशा, नताशा माई हस्बैंड, यानी कि नताशा अपने आप को बोल रही है, नताशा के हस्बैंड की वाइफ है ये, नताशा के हस्बैंड की वाइफ की बेटी, मतलब घुमा फिरा के अपनी बातें कर रही है इतनी सारी।
ठीक है. सो अब क्या हुआ, अब हाउ मैन ऑन स्टेज रिलेटेड टू नताशा. अब ये जो स्टेज पे मैन इसको दिखाई दिया, ये इस नताशा का क्या है, जब ये इसकी बेटी है तो ये इसका बेटा हुआ ना, जब ये दोनों भाई बहन है, जब दोनों ब्रदर सिस्टर है तो ये इसका बेटा ही तो होगा. तो आंसर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आंसर आएगा सन. बात समझ आ गई, वो अपनी बात ही कर रही है, ज्यादातर ऐसा ही होता है, वो खुद की ही बात कर रही होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. जेड सन इन लॉ ऑफ के, एक बार कोशिश करो इसको बनाने की. जेड दामाद है के का, जो कि भाई ब्रदर इन लॉ है जी का, जो कि भाई है ई का, ई बेटी है के की. बता रही हूँ अब दोबारा सुनो, जेड सन इन लॉ है, क्वेश्चन नॉट चेंज, रिफ्रेश करके देखो भाई, बाकी को दिख रहा है ना, जे जेड वाले क्वेश्चन दिखाई दे रहा है. जेड सन इन लॉ है के का, तो मतलब अगर के है, ध्यान से समझो, अगर के है तो उसका सन इन लॉ कब आएगा, बेटी होगी तभी आएगा कि पहले हो जाए, मतलब बेटी तो बनानी पड़ेगी ना पहले सन इन लॉ के लिए, तो के की पहले बेटी बनाओ, बेटी के साथ इसको बनाओ सन इन लॉ को, समझे. हमेशा चीजों को ध्यान से देखो, अगर सन इन लॉ कह रहा है तो उसके साथ साथ यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है. एंड देन इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी कौन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जेड के साथ क्या लगा है, सेमी कोलन, और उसके बाद ये कोमा लग गया. तो अभी ये किसकी बात कर रहा है, कौन ब्रदर इन लॉ है जी का, बताओ जेड के क्या लगता है आपको, जेड ही होगा ना ब्रदर इन लॉ जी का, वेरी गुड, जेड ही होगा. तो यानी कि ब्रदर इन लॉ कौन होता है, जो भी उसका स्पाउस है, उसका भाई या बहन. इसका जेड का स्पाउस कौन है, ये इसका भाई या बहन, मतलब यहाँ पे तो भाई हुआ ब्रदर इन लॉ. अब समझ में आ गया, जी इसका ब्रदर इन लॉ है, यहाँ तक क्लियर हो गया, हाँ उसका साला है. एंड देन हु इज ब्रदर ऑफ ई, और ये जो जी है ना, ये किसका भाई है, ये किसी ई का भाई है. अब ये ई कौन है हमें कैसे पता चलेगा, आप देखते हैं. ई इज डॉटर ऑफ के, ई कौन है, ये जो के है ना, के की बेटी है. अब मैं यहाँ बना दूँ, अब समझ आ गई कोई कहानी कि इसकी के की बेटी ये है, ये इसका वो है दामाद. अब ये कौन है, जब ये दोनों भाई बहन है तो. अब ये के का क्या लगा बताओ, जी इज रिलेटेड टू के भाई, जी इज रिलेटेड टू के, जी बेटा है ना, जी सन. अब कौन रिपीट कराने के लिए कह रहा है, कितना रिपीट करूं, शुरू से. अब परफेक्ट फैमिली बन गई, देखो यहाँ पे जेड रिलेशन तो गोलमाल वो करेगा ही ना, वो ब्रेड रिलेशन आपसे सीधे सीधे बात थोड़ी ना पूछने के लिए दे रहा है आपको, पेपर में दे रहा है तो कुछ तो ट्विस्ट करके देगा ही. तो ध्यान, आपने कोई ऐसा कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है. जेड सन इन लॉ है के का, ठीक है, ये जो के है के का पहले ये होगा ना, अलका सुनो, आप सुन रहे हो कि नहीं, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, सन इन लॉ कौन होता है, दामाद, दामाद से पहले बेटी होगी तभी तो दामाद आएगा, तो पहले बेटी बनाओ फिर उसके बाद इस दामाद को बनाओ. अभी समझ आ गई बात, यहां तक समझ आया, कोई यस और नो भी बोल दिया करो जिसने अभी समझना है.
हाँ, सो फिर जेड इज ब्रदर इन लॉ ऑफ जी। अब ब्रदर इन लॉ कैसे आएगा? सेमी कॉलन। देखो यहाँ पर सेमी कॉलन का मतलब ये होता है कि इससे रिलेटेड हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये के है ना, अब इसके बाद जेड ब्रदर इन लॉ है जी का। जब ब्रदर इन लॉ है तो इसका मतलब इसका भाई होगा, ये जो भी है इसका भाई होगा। अब उसके बाद हु इज ब्रदर ऑफ ई, ई इसका भाई है, और के ई इज डॉटर ऑफ के, ई के की बेटी भी है। तो अब ये दोनों कौन है? ये दोनों भाई बहन है। अब ये कौन है? ये जब ये इसकी बेटी है तो ये इनका बेटा होगा ना, बेटा है। तो जी इज रिलेटेड टू के, जी के का क्या बना? जी के का सन बना, समझे? अगर मैं के इज रिलेटेड टू जी बोलती, अगर के जी का क्या बना तो बोलती, तो आप बोलते फादर। अभी जी क्या है? जी बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये न्यू है, जी के बन गया। हाँ, हितेश ने नितिन को बोला कुछ, और अब इस क्वेश्चन को आराम से देखो और बताओ। सबका सिस्टर आ रहा है, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं आता? सबका आ गया। देखते हैं फिर। हितेश सेड टू नितिन, द गर्ल प्लेइंग विद फुटबॉल, जो कि गर्ल प्ले कर रही है फुटबॉल से, वो यंग है दो सिस्टर्स में से। तो दो सिस्टर होंगी यहाँ पे कोई, ठीक है। ऑफ सन ऑफ माई मदर्स हस्बैंड, कि यहाँ पे ये जो सन है ना, सन इसके मदर के हस्बैंड का बेटा है ये, उनके ये बहने हैं ये। तो इसका मतलब ये क्या हुई इसकी? समझ आ गया ना सबको, सिस्टर ही हुई। यही ऐसे बनाया था सबने डायग्राम। जब ये इसके मदर के हस्बैंड का बेटा तो खुद ही हुआ ना, और कौन हुआ, ठीक है। हाँ, प्रीति कुछ गड़बड़ बोल रही है, नितिन नाम के लिए। हाँ वही नाम उसको बता रहा है ना, नितिन को बता रहा है वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित टोल्ड बनीता, अमित ने बनीता को कुछ बोला। पोल खाली क्यों जा रहा है? पोल में आंसर दो। पोल में पता चलता है ए बी सी डी, सब आंसर आ रहे हैं ना। ओके, सो अब देखते हैं भाई। अमित टोल्ड बनीता यस्टरडे, कल आई मेट ओनली ब्रदर, ये किसी के ओनली भाई के साथ मिला था। तो भाई ऐसा होता है, ओनली ब्रदर, ब्रदर के साथ कोई ना कोई होगा, ठीक है। ऑफ डॉटर, किसी की बेटी, किसी की बेटी के ऊपर कोई होगा। ऑफ माई, माई फादर्स मदर, यानी कि माई कौन है? अमित ने बोला ना, अमित के फादर की मम्मी की बेटी। सो किससे मिला ये?
अमिल के फादर के मम्मी की बेटी से मिला, तो एक सेकेंड दोबारा बनाती हूँ. आई मेट ओनली ब्रदर, ब्रदर से मिला. अच्छा ये तो एक भाई से मिला है. ब्रदर ऑफ डॉटर किसी की, डॉटर ऑफ माई फादर्स, ये जो अमित है, अमित के फादर की मम्मी की डॉटर के भाई के साथ मिला ये. तो ये इसका क्या हुआ? बैक से जा रहे हो. अच्छा सो अमित अपने फादर की माई है ना, अमित के फादर की मम्मी की हाँ बेटी उससे मिला है. फादर के डॉट, एक मिनट, आई मेट माई फादर्स मदर, इसके फादर की मदर के डॉटर के भाई से मिला है. अब समझ आ गया? अच्छा दोबारा बताती हूँ, उल्टा जाने पे इजी हो रहा है. देखो दोबारा सुनो. अमित है, यस्टरडे आई मेट, मैं मिला, ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर. अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, ये जो अमित है ना, अमित उल्टा चले जाओ, ठीक है? अमित है, अमित के पापा माई फादर्स, समझाई? अमित के पापा, यहाँ तक समझ में आ रही है? अमित के पापा की मम्मी, मम्मी तक भी समझ में आ गया? अब इसकी मम्मी का क्या करना है? अब ओनली ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माई, यानी कि इसकी मम्मी के बेटी का ओनली ब्रदर. अब ओनली ब्रदर कौन हुआ कि एक इकलौता ही बेटा होगा और कोई बेटा है नहीं यहाँ पे, एक ही बेटा होगा. और एक बेटा कौन है? ये है ना इसकी मम्मी का बेटा, एक ही बेटा. एंड ओनली ब्रदर, इसकी मम्मी का बेटा है, इसका ओनली ब्रदर होगा ना. अब वो किससे मिला? अमित मिला किसके साथ? इनसे मिला. तो ये कौन है? इसके फादर है. अभी समझ आ गया? उसके अपने पिता से ही मिला है, इसका ब्रदर नहीं होगा भाई. हाँ तो मैं आपको दोबारा समझाती हूँ. प्रीति कौन है? तनु. दोबारा समझाती हूँ, देखो. सो माई का मतलब अमित है, ये अमित है. अमित के पापा, अमित के पापा बना दिए, अमित के पापा की मम्मी बना दी, मम्मी तक हो गया. आई मेट ओनली ब्रदर ऑफ डॉटर, यानी कि इस मम्मी की कौन, बेटी के ओनली ब्रदर से मिला. बेटी है ये, बेटी का इकलौता भाई, इसकी मम्मी का बेटा, और इसकी मम्मी का बेटा इसका कौन लगता है? इसके पापा लगते हैं. समझ आया हो? तो ये अल्टीमेटली फादर ही तो हुए. हाँ अमित के बुआ का भाई, बिल्कुल. सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे, आप स्पेशल क्लास की बात करोगे, सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हो? स्पेशल क्लास चल रही है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे. देखो सब्सक्रिप्शन लेना है तो unacademy.com/+ या फिर प्लस टैब पे जाओ, मैं लिंक दे देती हूँ आपको. ये लिंक है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने के लिए. तो 9 क्लासेस डालेंगे उसके साथ, तो उसके साथ आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. रेफरल कोड में डाल देना. सो अभी हम यहाँ पे पढ़ते हैं. मिला के लिंक ऊपर भाग गया, लो पिन कर दिया है. तब तक सब ये रिप्लाई करेंगे मुझे यहाँ पर. इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी सही नहीं दे पा रहा है क्या? सबको सारे आंसर 25-25% आ रहे हैं लगभग. सभी आंसर दे दिए है ना? अच्छा पिन हटा रही हूँ, अब समझा रही हूँ. पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ ऑफ गर्ल, फोटोग्राफ किसकी है? गर्ल की, गर्ल की फोटोग्राफ है. सुकन्या सेड शी इज डॉटर, ये डॉटर है किसी की. ऑफ ओनली डॉटर, डॉटर है, ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स.
सो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो मम्मी है ना, सुकन्या खुद नहीं होगी, देखो यहाँ पे सुकन्या है ना, सुकन्या किसी गर्ल की तरफ इशारा करके कह रही है कि ये डॉटर है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इसकी मम्मी की इकलौती बेटी की बेटी है। समझ आई? इनकम्प्लीट नहीं, पूरा है वो। दोबारा सुनो, हमेशा इनकम्प्लीट क्यों ढूंढने की कोशिश करते हो? देखो यहाँ से, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ ऑफ गर्ल सुकन्या सेड, ये गर्ल है, शी इज डॉटर, डॉटर मतलब किसी की बेटी है, यहाँ तक समझ में आया? शी इज डॉटर ऑफ ओनली डॉटर, अब ये जिसकी बेटी है ना, वो भी इकलौती बेटी है, समझ आई? वो भी इकलौती बेटी है। अब माई मदर, वो इकलौती बेटी किसकी है? मेरी मम्मी की, यानी कि मैं खुद की बात कर रही हूँ, ये किसकी बात कर रही है? सुकन्या की मम्मी की इकलौती बेटी है। अब हिंदी में मत जाओ ना, इंग्लिश में जाओ, क्योंकि मैं हिंदी का पक्का नहीं कह सकती हूँ। आप लोग हिंदी हिंदी चिल्लाते हो, इसलिए मैंने गूगल ट्रांसलेटर से गूगल ट्रांसलेट कर दिया है। अब इधर देखो, अब इंग्लिश में जो मैंने समझाया, समझ आ गया? अच्छा, बार बार पागल मत बोलो बेचारों को। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक गर्ल है, एक गर्ल इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी की, और बेटी कौन है? महेश, सुनने की कोशिश करो, दोबारा सुनो। हाँ, पॉइंट फोटो में क्यों करेगी वो? देखो, फोटोग्राफ ऑफ गर्ल, गर्ल की फोटोग्राफ पे उसने पॉइंट आउट किया, ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये गर्ल की फोटोग्राफ पे पॉइंट आउट किया। सुकन्या बोलती है, शी इज डॉटर, ये जो गर्ल है ना, ये डॉटर है, किसकी डॉटर है? आप हिंदी मत देखो, मेरी बात सुनो, शी इज डॉटर ऑफ ओनली डॉटर, इकलौती बेटी की। अब ये ओनली डॉटर किसकी है? ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, अब माई यानी कि सुकन्या की मम्मी की इकलौती बेटी की बेटी है। समझ आई? सुकन्या की मम्मी की इकलौती बेटी की बेटी है, तो इसका मतलब ये किसकी तरफ इशारा कर रही है? ये अपनी बेटी की तरफ इशारा कर रही है। तो सुकन्या उस गर्ल की क्या लगी? सुकन्या, शी इज डॉटर ऑफ सुकन्या, बिल्कुल, सुकन्या उस गर्ल की मॉम लगी, मदर लगी, तो यहाँ पे आंसर मदर आएगा। अभी समझ में आ गई बात? सुकन्या खुद ही की बात कर रही थी, इकलौती बेटी है ये इसकी, इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनिफर, हाँ अभी समझ में आ गया ना, वो अपनी बातें कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे फादर वाला क्वेश्चन आया था, वैसा ही ये वाला क्वेश्चन था। अभी जेनिफर का क्वेश्चन आया आपके पास, देखते हैं अभी इसमें रिप्लाई करो, मैं देखती हूँ आंसर किसका सही है किसका नहीं। अच्छा चलो ठीक है, अब देखते हैं। जेनिफर के जो फादर हैं, जेनिफर्स फादर इन लो, फादर इन लो का मतलब जेनिफर का कोई हस्बैंड होगा, ठीक है? ये देखो, जेनिफर के फादर इन लो कहाँ से आएंगे? वो फादर होंगे किसके? इसके हस्बैंड के होंगे ना। मैंने क्या किया, जेनिफर के हस्बैंड को बनाया और उसके फादर बनाए, यहाँ तक बात समझ आ गई? जेनिफर्स फादर इन लो इज माई ब्रदर, वो क्या है? इसके फादर इन लो कौन है? इस माई के भाई हैं, यहाँ तक समझ आया? ये जो माई है ना, माई, कोई माई होगा, उस माई के भाई हैं, ब्रदर है। हेलन इज ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर,
अब इस ये जो माई है ना, इसके माई की मदर की ग्रैंड डॉटर होगी हेलेन, तो यानी कि ग्रैंड डॉटर इस फादर के नीचे आएगी ना, इस पर्सन के नीचे ही आएगी, माई इस एरिया में है तो। ओके, हेलेन इज ग्रैंड डॉटर ऑफ माई मदर। अब ये इसकी ग्रैंड डॉटर है, यानी कि अब ये सब लोग किस हायरार्की में आ रहे हैं, सेम पोजीशन में आ रहे हैं, सेम पोजीशन में आ रहे हैं। तो ये जो हेलेन है, हेलेन इस जेनिफर का क्या लगी, हेलेन जेनिफर के सिस्टर इन लॉ लगी, ठीक है, इसकी बहन है ना, ये सिस्टर इन लॉ लगी। अभी कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया, मैं दोबारा बताऊं? अच्छा, मैं बना के बताती हूँ। देखो, जेनिफर के फादर इन लॉ को कैसे बनाऊं, धीरे धीरे अपने उसमें बनाऊं। तो ये जेनिफर है, जेनिफर है ना, हाँ, ननंद लगी, ये जेनिफर है। जेनिफर के साथ उसके हस्बैंड होंगे, तभी तो उसके फादर इन लॉ बनाओगे कि अपने आप बन जाएंगे। हस्बैंड के साथ फादर इन लॉ बनाए ना हमने, यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, इज माई ब्रदर। अब माई को कहाँ बिठाऊँ, ये इस माई के ब्रदर है, मैं यहाँ पे ना माई लिख देती हूँ, कोई होगा माई, हमें नहीं पता ये कौन है अभी, जायंट्स की फीमेल है। यहाँ तक भी समझ में आ गया, माई के ब्रदर है। ओके, हेलन इज ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर है माई मदर की। अब ये जो माई है ना, माई की कोई मदर होगी ऊपर, और ग्रैंड डॉटर होने के लिए कितनी जगह चाहती है, चाहिए होती है बीच में, ग्रैंड डॉटर होने के लिए। ये इसकी मदर है, एक स्पेस, फिर नीचे डॉटर आएगी। अब समझ में आई? तो जो एक स्पेस है वो ये माई वाली ही है। अब यहाँ आएगी ना, सो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कौन होगा, हेलन। अभी क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब जब मुझे पता चल गया कि एक पीढ़ी के बाद बीच में कोई एक पीढ़ी होगी, तब जाके ये हेलन आएगी। तो हेलन और ये सब एक ही लाइन में आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो यानी कि ये लोग कौन है, ये दोनों भाई बहन है। और ये उसकी कौन लगी, हेलन उसकी कौन लगी, सिस्टर इन लो। अभी कहानी समझ आई, ननंद लगी उसकी, हाँ, सिस्टर इन लो लगी। माई इज सेम पर्सन नॉट अ सेम, ये क्या बोला आपने, माई सम पर्सन नॉट अ सेम, सम पर्सन है लेकिन हमें ये नहीं पता मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो अभी सम पर्सन को ऐसा लगती है हमने, अभी मैंने ये नहीं लिखा कि ये माई की ही बेटी है, ये नहीं आया, ये किसी की तो होगी, लेकिन अभी एक ही हायरार्की में आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलका, समझ आया कि नहीं कुछ, क्या बोल रहे हो, बहू या बेटी? हेलन जेनिफर से क्या लगी, बस यही इतनी सी बात कर रहे थे हम, ये दोनों भाई बहन है तो ये दोनों तो वो ही लगेगी ना, सिस्टर इन लो। वन वुमेन पॉइंटेड टू मैन, आ गया। अच्छा, सन है, किसी का बेटा है, सन ऑफ ब्रदर, ये किसी के भाई का बेटा, ऑफ हर मदर, वुमेन बोल रही है, इसकी मदर के भाई का बेटा है। अच्छा, सो अभी इसके मदर के भाई का बेटा है, तो यानी कि इसकी वुमेन की मदर के भाई का बेटा है, ठीक है, वुमेन की मदर के भाई का बेटा है। तो यहाँ पे कजन हो गया, यानी कि वही मामा का बेटा हुआ है, इसके मामा लगे ना, सिंपल। तो ये हो गए इसके कजन, हो गए सिंपल। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा, सो अभी ये क्लियर हो गया, तो अभी यहाँ पे मैं क्वेश्चन और लेकर आती हूँ फिर आपके लिए।